चलिए नेहा में जैन जी, हाय डॉक्टर, आई वांट टू आस्क फॉर इंटीमेट वॉश व्हिच आर अवेलेबल इन मार्केट, व्हिच ब्रांड इज गुड, इज इट गुड एंड सेफ फॉर यूज? वेलकम टू थिंकपिल, मैं हूँ डॉक्टर रूपल और थिंकपिल चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए नेहा में जैन जी, हाय डॉक्टर, आई वांट टू आस्क फॉर इंटीमेट वॉश व्हिच आर अवेलेबल इन मार्केट, व्हिच ब्रांड इज इट गुड एंड सेफ फॉर यूज? वेरी नाइस क्वेश्चन नेहा में जी, ये आपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। नियरली हर रोज मेरे क्लिनिक में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि हम कौन सा इंटीमेट वॉश यूज करें, किस तरह का वजाइनल वॉश हम यूज कर सकते हैं ताकि इंटीमेट एरिया है वो हाइजीनिक रहे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर में सच्चाई क्या है, क्या महिलाओं ने ये यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और क्यों यूज नहीं करना चाहिए। जो महिलाओं की योनि जो होती है उसमें जो पीएच लेवल होता है वो अप्रोक्सीमेटली 4.5 पीएच लेवल होता है, जो कि एक एसिडिक पीएच है। तो इस तरह का एसिडिक पीएच एकदम पर्याप्त है एक हेल्दी वजाइनल म्यूकोजा मेंटेन करने के लिए, और जो इन्फेक्शंस वगैरह हो सकते हैं वजाइना में या योनि में जो इन्फेक्शंस हो सकते हैं वो रुक जाते हैं क्योंकि ये एसिडिक पीएच होता है। महिलाओं की योनि है उसके अंदर एक तरह की बैक्टीरिया होती है, एक तरह की फ्रेंडली बैक्टीरिया होती है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस क्रिस्पेटस। तो ये एक हेल्दी प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है। प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। लैक्टोबैसिलस क्रिस्पेटस ये एक तरह का एनारोबिक बैक्टीरिया है जो लैक्टोज को और दूसरे जो शुगर्स है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। लैक्टिक एसिड में काफ़ी सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं। ये जो लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टोबैसिलस क्रिस्पेटस होता है और ये जो एसिडिक पीएच होता है, ये तीनों मिलके जो महिलाओं की योनि है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। लैक्टोबैसिलस क्रिस्पेटस इसके अंदर एक काफ़ी अच्छी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी है और इसके साथ साथ ये इन्फेक्शंस को बहुत ही अच्छी तरह से प्रिवेंट करता है। इन्फेक्शंस की मैं अगर बात करूँ तो सबसे खतरनाक जो इन्फेक्शन होता है वो है निसेरिया गोनोरिया। ये एक तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो महिलाओं में काफ़ी इजीली होता है, लेकिन ये बैक्टीरिया की वजह से प्रोटेक्शन मिलता है महिलाओं को और उनको इस तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होता है। इसके साथ साथ कैंसर की शक्यता भी काफ़ी कम हो जाती है, कैंसर के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। ये जो बैक्टीरिया है ये एक तरह का हेल्दी म्यूकोजल बैरियर बनाए रखता है जो एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए एसेंशियल होता है और गायनेकोलॉजिकल कैंसर से भी प्रोटेक्शन मिलता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कभी कभी बच्चा जब न्यूबॉर्न शिशु होता है और कई बार अगर प्रीमेच्योर बच्चा पैदा होता है तो उसमें बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं और बच्चे की हालत भी काफ़ी नाजुक होती है। तो अगर हेल्दी वजाइनल लैक्टोबैसिलस या हेल्दी अगर बैक्टीरिया महिला के योनि में प्रेजेंट होता है तो उसकी वजह से हेल्दी प्रेगनेंसी होती है, प्रीमेच्योर डिलीवरी भी नहीं होती है और जो नवजात शिशु होता है उसमें इन्फेक्शन के भी चांसेस नहीं होते। क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जब आप इंटीमेट वॉश यूज करते हो? तो जब आप इंटीमेट वॉश यूज करते हो तो जो नॉर्मल पीएच होता है वजाइना का उसको कम्प्लीटली अपसेट और उसको डिस्टर्ब कर देता है इंटीमेट वॉश यूज करते हो। उसकी वजह से लैक्टोबैसिलस क्रिस्पेटस मर जाता है क्योंकि वो जो वॉश के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं जिसकी वजह से फ्रेंडली बैक्टीरिया भी मर जाता है। तो जो योनि का जो म्यूकोजा है वो एक्सपोज हो जाता है हार्मफुल इन्फेक्शंस को और काफ़ी सारे गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स को और इसके साथ साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने का भी चांस होता है। एक बहुत ही कॉमन चीज़ मैंने देखी है मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि जो महिलाएं ज़्यादातर इंटीमेट वी वॉश यूज़ करते हैं उनको बार बार ईस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। इसके साथ साथ एक बहुत कॉमन कंडीशन देखा गया है ऐसी महिलाओं में जो रेगुलरली इंटीमेट वॉश यूज करते हैं, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं बैक्टीरियल वजाइनोसिस। ये एक तरह का काफी खतरनाक वजाइनल इन्फेक्शन है। वजाइनल म्यूकोजा में एक तरह के एपिथेलियल सेल्स होते हैं, एक तरह के म्यूकोजल सेल्स होते हैं जो एक नॉन इन्फ्लेमेटरी प्रोटेक्टिव और नॉन इन्फ्लेमेटरी इम्यून मीडिएटर्स जैसे कि IL-8 ये केमिकल्स की वजह से जो महिलाओं की योनि है उसमें कैंसर का प्रोटेक्शन मिलता है। तो जब आप इंटीमेट वॉशेस यूज करते हो तो जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो हमें हाइजीन के लिए क्या करना चाहिए?
जो इंटीमेट एरियाज़ है उसमें हाइजीन मेंटेन करने के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है तो आपको कभी भी किसी भी तरह का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किसी भी तरह का वजाइनल इन्फेक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप जब भी स्नान करते हो तो प्लेन वाटर से आप इंटीमेट एरियाज को क्लीन कर सकते हो, किसी भी तरह के सोप्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। जब आप यूरिन पास करते हो तो उसके बाद आप एक साफ़ सुथरा क्लीन और सूखा टिश्यू से वो एरिया को साफ कर सकते हो, वो एरिया को ड्राई कर सकते हो। इसके साथ साथ आप जो इंटीमेट एरियाज है वहाँ पे डेफिनेटली शेविंग तो डेफिनेटली कर सकते हो। शेव करने से काफ़ी अच्छा हाइजीन मेंटेन होता है। शेव करते समय एक एसेप्टिक प्रिकॉशंस यूज कीजिए, मतलब नई ब्लेड यूज कीजिए, बार बार सेम ब्लेड को यूज मत कीजिए। इसके साथ साथ आप एक और स्टेप ले सकते हो, जैसे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना होता है तो आप दिन में 2 से 3 बार अपना अंडरवेयर चेंज कर सकते हो। जब आप अंडरवेयर यूज करते हो तो किसी भी तरह का नायलॉन या सिंथेटिक फैब्रिक मत यूज कीजिए। जो भी आपका जो इनर वेयर होगा वो आप एकदम क्लीन, फ्रेश, ड्राई और कॉटन अंडरवेयर होना चाहिए। और फ्रेंड्स, आखिर में मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी सलाह देना चाहूँगी कि दिन भर में पानी ज़्यादा पीजिए। जब आप पानी ज़्यादा पीते हो तो जो वजाइनल म्यूकोजा होता है जो वो काफ़ी मॉइस्चराइज्ड होती है और उसमें जो भी सेल्स होते हैं, जो भी प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं वो सही रहते हैं। और जब आप पानी ज़्यादा पीते हो तो जो भी इन्फेक्शन होता है वो यूरिन के जरिए कम्प्लीटली फ्लश आउट हो जाता है बॉडी से, तो आपकी बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होता। So friends, I want to tell you something very very important. Please do not use any kind of intimate washes. किसी भी तरह के vaginal washes use मत कीजिए। बहुत सारी marketing और advertising की गई है वो बहुत ही गलत है, वो आपको completely गुमराह करने के लिए है। Please आप किसी भी तरह के washes मत use कीजिए, किसी भी तरह का V wash मत use कीजिए। तो अक्सर मैंने ये मेरे clinical practice में देखा है कि जो ladies बहुत frequently V wash use करते हैं या vaginal wash use करते हैं, intimate wash यूज करते हैं, उनको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। बार बार उनको ये कंप्लेंट होती है कि मुझे बहुत सारा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, मुझे बहुत सारा इचिंग हो रहा है, या फिर मुझे यूरिन पास करने के टाइम पे बहुत सारा बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, या फिर बार बार मुझे यूरिन का सेंसेशन हो रहा है। ये सभी कंप्लेंट्स होती है और उसमें जब मैं क्वेश्चंस उनको पूछती हूँ उनके लाइफस्टाइल के बारे में, तब मुझे पता चलता है कि वो बहुत फ्रीक्वेंटली वी वॉश यूज करते हैं। आई होप यू गॉट योर आंसर। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ प्रतिक्रिया या प्रश्न हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिली हो और आप इस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं इस तरह के वीडियो पोस्ट करूँ। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ऑसम। बाय।